साथ साथ हमने जड़ी बूटियों के ऊपर काम किया। हम तो गुरुकुल में पढ़े हैं, तो हमने आयुर्वेद पढ़ा, तो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का असर देखा। देखो ये हमारे मुंबई के कई कार्यकर्ता हूँ, सब जगह गिलोय बांटते हैं, इसको ऐसे किसी भी गीली चीज में लगा दो तो अपने आप देखो ये अपने आप बढ़ जाता है। ये गिलोय है, ये इसकी डंडी है, ये लता है पेड़ों पर चढ़ी रहती है, इसको गुड़वेल बोलते हैं मराठी में। गुड़वेल साउथ में अमृतबल्ली, कहीं तिपतिग्गा, कहीं इसको गुजराती लोग गड़ो, हिंदी में इसको गिलोय और संस्कृत में अमृता बोलते हैं। अमृता याद ना रहे तो देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी को याद कर लेना। तो ये है ये गिलोय, इसके कितने फायदे हैं सब सुनो, सब अपने घर में लगाना। मैं आज आया हूं तो तुम्हारी कम से कम हर आदमी की 1,00,000 रुपए की बचत करके जाऊंगा। बोले बाबा 1,00,000 की बचत कैसे होगी? आदमी जिंदगी में बीड़ी सिगरेट शराब दारू कोई भी व्यसन करता है तो उसमें ही 2,00,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। आदमी बीमार होता है तो उसी से हॉस्पिटलों में 2,00,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। पहले 2,000-5,000, फिर 50,000, फिर 1,00,000, पता ही नहीं लगता कब खर्च हो गए। जो रोज खाली, मैंने ये श्वास की क्रिया बताई ना आपको, 2 मिनट ये कर लेना, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, और ये गिलोय रोज पी लेना, 100 साल तक किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, इसकी गारंटी नहीं, मैं इसकी डबल गारंटी देता हूं। लोग तो आजकल वारंटी नहीं देते, 100 साल तक कोई बीमारी नहीं होगी। हमारे गोयल साहब, इनके दामाद मेरे से पूछने लगे, उसको सर्दी जुकाम बहुत होता, बाबा जी आप, क्या नाम था उसका, किशोर, वो बोले बाबा जी आपको कभी सर्दी जुकाम होता है? मैंने कहा सर्दी जुकाम मेरे पड़ोसी को भी नहीं होता। सर्दी जुकाम भी नहीं होता मुझे। बीपी, मेरा बीपी रहता है 75 से 80 के बीच, 75 to 80, एंड नीचे का 110-120। एक बार भी इससे ज्यादा मेरा कभी बीपी नहीं हुआ, 100%, क्योंकि मैं नमक कम खाता हूं ना, अनाज भी मैंने 18 साल तक नहीं खाया, आजकल फिर थोड़ा बंद कर रखा है, मेरी इच्छा ही नहीं होती। शाक सब्जी फल खाओ, अच्छे हल्के रहते हो, हल्का खाओ, खा पी करके भी देखो ऐसे रहते हो। और तुम में से बिना खाए कि पिए भी बहुत से 20-20 किलो के भर रखे, पूरा गोल मटोल फुटबॉल पूरा भूगोल लिए घूमते रहते हो। तो देखो ये गिलोय, ये गिलोय, इसके फायदे सुन लो, सब अपने घर में लगाना, अपने झाड़ में लगा देना, इसके लिए कोई खेती की भी जरूरत नहीं है। पेड़ की जड़ में लगाओ, ऊपर चढ़ जाएगी और पेड़ को नुकसान नहीं करती है, पेड़ को फायदा करती है। क्या फायदा है? इससे मोटापा नहीं होगा, है तो घट जाएगा, वेट घटाती है, एक बात। दूसरा, शुगर को मिटाती है और शुगर से बचाती है। जो इसको पिएगा उसको कभी डायबिटीज की बीमारी, उसको डायबिटीज की बीमारी है तो खत्म हो जाएगी। स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, प्लेटलेट्स की कमी और सिकल सेल जैसी बीमारियां। आंवला, एलोवेरा, जवारा, ये गिलोय। आंवला सब समझते हो, एलोवेरा कोरफड़ बोलते हैं आप लोग मराठी में, कोरफड़, आंवला, कोरफड़, वीटग्रास गेहूं का जो हरा घास होता है उसका रस, और ये गिलोय, ये मिला के पी लो, सिकल सेल ठीक हो जाता है। डेंगू में तो कितने लोगों की मौत हो जाती है प्लेटलेट घटने से। एक दिन में यदि 5,000 भी किसी का प्लेटलेट है तो शाम तक उसका 20-25,000 हो जाता है विद इन डे। दिस इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और रिसर्च भी कर रहे हैं अभी इसके ऊपर। मैंने तो हजारों लोगों की जान बचाई है। डेंगू से आदमी नहीं मरेगा, ये सब बीमारी भगाने वाला डंडा है, थोड़ा मोटा हो जाता है तो पतला लेके आए आज। हाँ, डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, अरे इम्यूनिटी बड़ी समस्या है लोगों की, इम्यूनिटी वीक है, सर्दी जुकाम उदरस बीमारियां होती रहती हैं। जो इसके पिएगा उसको कभी सर्दी जुकाम और फीवर बुखार भी नहीं होगा। बुखार ज्वर को क्या बोलते हैं इधर, ताप, ताप भी नहीं आएगा, ताप भी नहीं आएगा, और इधर तो सर्दी होती नहीं, सर्दी भी नहीं लगती इसको खाने वाले, सर्दी ठंड भी नहीं लगती, जैसे हम इसी में रहते हैं हिमालय में भी, हाँ हमको सर्दी नहीं लगती।
गर्मी भी नहीं लगती। पहले मैं कभी कभी पीता था, अभी मैं रोज पीता हूं। सुन लो, जब 50 साल के ऊपर हो जाओ तब रोज पी लिया करो, बाकी कभी कभी पी लिया करो। 50 साल से ऊपर वाले, ए दानवे साहब आपको भी रोज पीना है, और संतोष तुझे कभी कभी पीना है। हाँ, संतोष थोड़े में संतोष कर लेगा। हाँ, ये 50 साल के बाद सबको पीना चाहिए, आपको बीमारी नहीं होगी। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं कभी कभी पीने का। प्राणायाम तो करता ही हूं। ये लड़का हरी, कितने साल हो गए तुमको मेरे साथ? 14 साल हो गए। 14 साल में 2-4 बार तो इसका भी पेट खराब हो गया होगा मेरे साथ यात्राओं में। खान पान उल्टा पुल्टा होने से, कभी सर्दी जुकाम भी इन लोगों को हो जाता है। मेरे को कभी कभी पहले खांसी हो जाती थी साल में एक दो बार। अभी जब से मैंने इसको 3 साल से लगातार पीना शुरू किया, तुमने देखा कभी खांसी? पहले मैं मुलेठी की डब्बी रखता था, वो बंद ही कर दी, खांसी नहीं। कभी एक बार भी मुझे फूड इन्फेक्शन नहीं हुआ, फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। नहीं तो लोगों को फूड पॉइजनिंग, तुम लोगों को ही हो जाता है, घर में ही हो जाता है, घर में ही। मैं तो पूरा देश घुमाऊं, 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है मैंने, 20 लाख किलोमीटर। ये गिलोय ऐसी चीज है, कोई बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन नहीं, कोई इंफेक्शन नहीं, कोई फूड पॉइजनिंग नहीं। इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त हो जाएगी, सर्दी उधरस ताप कुछ नहीं होगा, इतनी जबरदस्त। अमृता ये है, जिसको ऐसे संस्कृत में बोलते हैं ना, एक काया कल्प, और एक और शब्द बोला जाता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष कल्पनाओं का वृक्ष है, आज तक तो कोई मिला नहीं हमको। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने करीब 4 लाख जड़ी बूटियों पर रिसर्च किया, वो कल्प वृक्ष नाम का मिला नहीं, ये कल्प वृक्ष मिला हमको गिलोय। ये बता रहा हूं आपको, यह एकदम पक्की बात। मैंने इसका इतना प्रचार किया है, अभी करीब आगे तुम लोग बोना अपने घरों में, खेतर में, जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं पर भी जंगल में, 100 करोड़ रुपए की तो पतंजलि खरीद लेगा आपसे, 100 करोड़। खाली गिलोय लगानी है, इसको गाय भैंस भी नहीं खाती, बकरी भी नहीं खाती, हाथी भी नहीं खाता, बंदर भी नहीं खाता, कोई खतरा नहीं, इतना जबरदस्त है। और एक किसान भाइयों सुनो, अपनी गाय भैंस को भी महीने में 5-7 दिन खिला दिया करो इसको, यदि हो सके तो इसका ऐसे छोटा छोटा कुट्टी काट के थोड़ा चारे में मिला दो, नहीं तो कोई पशु बीमार हो जाए तो, पशु को भी ताप हो जाता है, पशु को भी कई प्रकार से उसको जुकाम हो जाता है, उसके नाक से पानी आता है, पता लगता है मैंने तो पशु पाले। इसका काढ़ा बना के नाल दे देते हैं, वो बांस का होता है, उसमें दवाई डाल के पशु को डाल देते हैं, तेल भी पिलाते हैं, किसी और दवाई भी देते हैं। पशु को ये गिलोय पिला दो, सर्दी जुकाम उधरस कोई पशु का कोई भी बीमारी है ना, सब ठीक हो जाएगा। पशु को भी खिलाया करो, इसकी गोली भी बनाते हैं हम, छोटे बच्चों को एक गोली, बड़ों को ऐसे 2 गोली दे दो गिलोय, अमृत है ये। और अपने घरों में सब जगह गिलोय बोना, कुछ तो अपने लिए इस्तेमाल करना, बाकी बच जाए पतंजलि को दे देना। आंवला एलोवेरा, ये कोरपड़ है ना, ये बहुत जबरदस्त होता है, इधर लाओ। ये यहां 1-1 किलो का पत्ता हो जाता है 1 साल के अंदर। बंजर जमीन में भी आप ये एलोवेरा बोदोगे, जिस धरती पर कुछ नहीं होता, न जवार होती है, न जहां पर मकई मेज कॉर्न होता है, जहां पर गेहूं नहीं होता, गन्ना नहीं होता, कुछ नहीं होता, वहां इसको बो देना। 1 एकड़ जमीन से 1 लाख रुपए की पैदावार हम आपको देंगे, बंजर जमीन पर इसको बो देना। ये 1-1 किलो का, 1.5-1.5 किलो का पत्ता हो जाता है। इसको दोनों तरफ से चाकू से काट के, चाकू से दोनों तरफ से ऐसे इसका ये साइड से काट के, फिर इसको दोनों तरफ से, फिर ये इसके अंदर से गुद्दा निकलता है, और जो अंदर का गुद्दा होता है, ये गुद्दा इसका खाने में भी काम आता है और चेहरे पर लगाने में भी काम आता है। ये अंदर से ऐसे गुद्दा होता है, चिकना चिकना निकलता है ऐसे, इसको ऐसे ही खा लो, खाने में
घी की तरह चिकना होता है, मीठे वाला है, अच्छी प्रजाति है। हाँ, हम लोग आंवले को करीब इस समय हमने 500 करोड़ का ब्रांड बना दिया ऑलरेडी। आगे 5 साल में मैं घृत कुमारी को अभी करीब 500 से 1000 करोड़ का तो ब्रांड हमने बना दिया है इस कोरफड़ को। आगे हमारा सपना है कि हम इसको करीब 5000 करोड़ रुपए का ब्रांड बनाने वाले हैं और ये सारे पैसे किसान के घर जाने वाले हैं। इसका जूस बनाते हैं, जेल बनाते हैं, इसका शैंपू बनाते हैं। ये देखो, ये लोग ना सुंदर होने के लिए जहर लगाते रहते अपने चेहरे के ऊपर। ये तो है इसका केसर चंदन वाला, इसको कितना, ये फैंसी है, विदेशी कंपनियों से ज्यादा बढ़िया पैकेजिंग कर रखी है हमने, ब्रांडिंग में, पैकेजिंग में पतंजलि किसी से कम नहीं है। 11,000 ब्रांड का पिछले दिनों भारत में सर्वे हुआ, नंबर 1 ब्रांड पतंजलि को घोषित किया, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया, दैट्स पतंजलि। देखो इसको थोड़ा ऐसे दबाते हैं हल्का सा तो ये निकल आता, देखो ये ऐसे, और इसको ऐसे चेहरे पर लगा दो, है ना, इसको चेहरे पर लगा दो और इसको ऐसे बस इसकी मसाज करके और फिर इसकी लेयर बना के छोड़ दो, रात को लगाओ सुबह धो लो, चेहरा ठंडा भी रहता है, माथा ठंडा रहता है, नींद भी अच्छी आती है, और जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया ऐसे नेचुरल ब्यूटी एलोवेरा से मिलती है। मैं तो कभी कभी लगा लेता हूँ ऐसे दिखाने के लिए, लगाता हूँ उसी से मेरा अच्छा रहता है। हाँ, इसको अप्लाई करना ही नहीं आता था पहले, इसका जेल है ये और कुछ नहीं, इसी का जेल है, बस इसी का जेल इसके अंदर भर दिया हमने। ये 100% नेचुरल है, ये बिना केसर वाला है, ये भी ऐसे ही बस ऐसे लिया और बस इसको चेहरे पर, जहाँ फुंसी है तो 3 दिन में खत्म हो जाती है, रिंकल पिंपल सब खत्म। और मॉइस्चराइजिंग इतना अच्छा होता है, अब जैसे हम लोग इतना धूप में बैठते हैं कभी कभी लगा लेते हैं, नहीं तो धूप में बैठने से किसी को सनबर्न हो जाता है, जैसे हमारे हरी को ही हो गया, ये मेरे साथ रहता है, मैंने इसको आज बोला हाँ ये लगा लेना, ले तेरे को दे देता हूँ आज दान में। इसको मेरे साथ में रहने वाले को सनबर्न हो गया, बताओ, एलोवेरा लगाओ। वैसे हम सनस्क्रीन भी बनाते हैं लेकिन ये सबसे अच्छा है, सनस्क्रीन से भी अच्छा है, हम सनस्क्रीन बनाते हैं, ये रही देखो, सनस्क्रीन भी बनाते हैं हम, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, सारे गोल्ड क्रीम, ये सब बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट सब रखे हैं इधर, सब बनाते हैं हम लोग। लेकिन एलोवेरा का मैं कह रहा था, एलोवेरा का पहली बार हमने वर्ल्ड में टूथपेस्ट बना दिया, ये एलोवेरा का टूथपेस्ट है, इतना जबरदस्त है ये। एलोवेरा का लोगों को कीमत नहीं पता थी, हमने एलोवेरा का टूथपेस्ट बना दिया, बाकी दंत कांति तो सबको पता ही है, दंत कांति एलोवेरा का, एलोवेरा का जेल बना दिया हमने, टूथपेस्ट एलोवेरा, दंत कांति एलोवेरा पेस्ट, दांतों के जितनी के बहुत सॉफ्ट दांत हैं। फिर हमने एक्वा फ्रेश जवानों के लिए बना रखा है, बच्चों के लिए हमने वो बना रखा है जूनियर, और जिनके दांत बहुत बहुत ही ज्यादा कमजोर है उनके लिए मेडिकेटेड। एलोवेरा का टूथपेस्ट, एलोवेरा का जेल, एलोवेरा का जूस, एलोवेरा का शैंपू, एलोवेरा का हैंड वॉश, इतनी चीजें हमने बना दी। देखो ये एलोवेरा का शैंपू है, ये एलोवेरा का हैंडवाश है, ये एलोवेरा का जूस है, रोज सुबह पीते लोग, इससे तो एसिडिटी आदि पूरे बॉडी में बर्निंग होती है, ड्राई स्किन होती है। ये सुधा बैठी इधर हमारी महिला प्रभारी है पूरे प्रांत की, इसको एक बार इतना, इसको 45 के बाद सभी को प्रॉब्लम आती है, मेनोपोज के समय स्किन ड्राई होगी, पूरे शरीर चेहरे की बॉडी की स्किन खिंचने लग गई और भी कई कॉम्प्लिकेशंस। इसने एलोवेरा जेल पी करके अपने आप को ठीक किया, आपके सामने लाइव एग्जांपल है, इसने मेरे को बताया। ये एसिडिटी पूरी क्योर हो जाती है इससे, कोई भी लेडीज का कोई भी प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, मेनोपॉज का प्रॉब्लम है, इतना बड़ा ब्रांड है ये। तो एलोवेरा लगाना, गिलोय लगाना, आंवला लगाना, एलोवेरा लगाना, बाकी जो आप संतरा और मकई आदि लगा रहे हो उसका भी इंतजाम करेंगे। वैल्यू एडिशन किया हमने, वैल्यू एडिशन, उसको हमने मार्केट भी किया। पहले कोरफड़ कोई खरीदता था? अरे कोरफड़ की बात छोड़ो, तुम लोगों का गोमूत्र भी हम खरीदेंगे। हम पहाड़ में उत्तराखंड में हमने शुरू किया था, सबसे पहले 7 रुपए से लेकर के 10 रुपए लीटर में तक हम गोमूत्र खरीदते हैं। गोमूत्र, गोमूत्र का अर्क बनाया हमने, ये देखो, ये रहा,
ये भी देसी गाय का मूत्र खरीदते हैं, उसका टेस्टिंग का मेथड बना रखा हमने। ये गोमूत्र 4 चम्मच 4-5 चम्मच सुबह पी लो, जिनका पेट साफ नहीं होता एकदम फर्स्ट क्लास पेट साफ हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं। बाकी पेट साफ करने वाले जितने चूर्ण खाते हो नुकसान करते हैं। तो गोदूध भी नेवासा में हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी इस साल, दिवाली पर पतंजलि का लिक्विड दूध भी हम लॉन्च कर देंगे, काओ मिल्क। बाद में हम गाय का दूध का भी प्रोत्साहन देंगे, अभी गाय के घी की हमने ब्रांडिंग की। हिंदुस्तान में कैरोटीन नाम का तत्व होता है गाय के दूध घी में, उसे पीलापन आता है, लोग इसको सफेद करके केमिकल प्रोसेस से बेचा करते थे, हमने गाय के घी शुद्ध रूप से 100% गाय का घी उपलब्ध कराया, गाय का मिल्क पाउडर उपलब्ध कराया, उससे पनीर छाछ दही मलाई रबड़ी कुछ भी बना सकते हो। अभी लिक्विड मिल्क भी ला रहे हैं, बाद में डेयरी को और बढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर दूध का अच्छा भाव नहीं मिलता है महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पर अभी दूध को लेकर के उतनी जागृति नहीं है, इसलिए किसानों को पूरा भाव नहीं मिलता। हम गाय का दूध का तो भाव देंगे ही देंगे आपको, डेयरी के क्षेत्र में भी पतंजलि बहुत बड़ी दुग्ध क्रांति श्वेत क्रांति करने वाला है, और उससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी, दुग्ध क्रांति श्वेत क्रांति। और गाय का मूत्र भी लेंगे आपसे, ये गाय का मूत्र हमने करोड़ों लोगों को पिला दिया, कुछ लोगों ने विवाद किया मुसलमान लोग नहीं पीते, मैंने कहा हम कब कह रहे हैं मुसलमान पियो, हम तो भाई बाकी चीजें लो मुसलमान, आंवला पियो एलोवेरा पियो ये गाय का दूध पियो, हम गोमूत्र तो औषधि है, और जिन मुसलमानों को मोटापा है या कैंसर है वो हमारे सेंटरों से लेकर के जाते हैं पीते, ये औषध के तौर पर तो हराम थोड़ी कहा है इस्लाम में, हम कब हम हिंदू लोग कोई थोड़ी ऐसे किसी का भी मूत्र पी लेते हैं। वो अलग बात है कि मोरारजी देसाई अपना ही पी लिया करते थे, पता उसको नाम बोलते शिवांबू चिकित्सा, शिवांबू बोल दिया। लेकिन गोमूत्र, गाय एक सामान्य प्राणी नहीं है, गाय तो सारे 38 करोड़ 36 करोड़ या जो भी 33 करोड़ जितने भी बोलते हो, 33 करोड़ देवी देवी देवताओं का वास और सारे दिव्य गुणों का वास गोमूत्र में है, गोबर में है, गोदुग्ध में है, गोघी में है। गाय तो अपने आप में इस धरती पर भगवान का वरदान है। हाँ, गाय के बड़े गुण है, तो आपका गोमूत्र भी खरीदेंगे। 7 रुपए लीटर तो हमने इसका जनरल भाव दे रखा है, पहाड़ों से हम 10 रुपए लीटर तक खरीदते हैं, क्योंकि खर्चा ज्यादा लग जाता है वहां। हमने हजारों किसानों के जीवन में खुशहाली लाई, जिन घरों में कभी चिराग नहीं जला करता था, दिया नहीं जला करता था, उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, हमने उनको 7-7, 10-10 रुपए लीटर गोमूत्र खरीदा। राजस्थान में हमने शुरू कर दिया, यहां भी शुरू करेंगे। ये तो मैं देखो, मैं मार्केटिंग का आदमी जरूर हूं, लेकिन खराब चीज की मार्केटिंग नहीं करता, दारू नहीं बेचता, हाँ सिगरेट नहीं बेचता, अंडे नहीं बेचता। मैं तो बोलता हूं ये अंडा तो मुर्गी की पोटी है, उसके पीछे से निकलता है, लैटिन के जगह से जो निकलता है वो प्रोटीन थोड़ी है, पोटी है। अरे गुई खाना है तो अपना खा ले, मुर्गी का गू खा रहे तत् तेरे, और प्रोटीन बता रहे प्रोटीन। मैं कभी भी खराब चीजों की मार्केटिंग नहीं करता, मैं जो लाभकारी चीजें हैं, विज्ञान सम्मत बातें हैं, धर्म संस्कृति सम्मत मानवता के हित में बातें, सच्ची बात कहता हूं। मैंने कहा कि एलोवेरा जेल यूज करो, 3 से 7 दिन के अंदर तुम्हारे पिंपल्स खत्म हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, फायदा होता है तब कहता हूं। एलोवेरा पियो, एसिडिटी खत्म होगी तो होगी, इसको पियो सर्दी जुकाम कफ एलर्जी ये इम्यूनिटी ये सब के लिए जो मैंने बताया 100% बेनिफिट आपको पहले दिन से होगा। मैंने बोला प्लेटलेट बढ़ते हैं तो पहले दिन से बढ़ेगा, जो होता है वो कहता हूं। मैंने करोड़ों लोगों का मोटापा कम किया, गोमूत्र पिलाया, कपाल भाती कराया, अनाज बंद कर दिया। मैंने कहा भाई अनाज बंद करो, अनाज खाने से अन्नमय कोष बढ़ता है और अनाज की समस्या भी दूर हो जाएगी, भूख की हंगर एंड मैलन्यूट्रिशन कुपोषण, कुपोषण बड़ी समस्या है, और ये अति पोषण अन्न कब कर दो, समस्या का समाधान गोमूत्र कार्क पियो। ये गोमूत्र, इसको गोमूत्र को भपके में डाल के इसको वाष्प करके उड़ाते हैं, वो ये जबरदस्त, सबको पीना चाहिए, हाँ बहुत जबरदस्त है। चलो छोटी छोटी बात और बताते हैं। तो मैं कह रहा था
किसानों को अपने जीवन में समृद्धि लाने के लिए एक बात, कभी बीमार नहीं होना, दवा नहीं खाना, बस ये गिलोय पीना, प्राणायाम करना, आंवला एलोवेरा पी लेना, अपने घर में लगा लेना, आंवला एलोवेरा खोरपड़ और आंवला ये झाड़ लगाओ अपने घर में, इसका जूस पियो, छोटी छोटी चीजें करो, दवा में पैसा नहीं खर्चना, दारू में पैसा नहीं खर्चना और टंटा में नहीं। हमारे संतों ने टंटा मुक्ति, तुकड़ो जी महाराज, गाड़गे जी महाराज, सब संतों ने कितना अभियान चलाया, अभिनंदन है उन महापुरुषों का भी। ये टंटा मुक्ति व्यसन, जो आदमी योग करेगा झगड़ा करेगा ही नहीं ना, सब अपने तो हैं। मैं तो आजकल एक मंत्र दे रहा हूं सबको, बहुत जाति पात के झगड़े यहां महाराष्ट्र में भी शुरू हो रखे, ये दलित, ये मुसलमान, ये मराठा, फिर ये और कुछ इधर उधर के, ये ब्राह्मण, ये फला, सब मेरे साथ बोलो, सब जाति समान है, बोलो सब जाति महान है, फिर से बोलो सब जाति समान है, सब जाति कौन ऊंच नीच, फालतू का झगड़ा कर रखा है लोगों ने, कोई झगड़ा नहीं जाति के नाम पर, कोई झगड़ा नहीं आपसदारी में, घर घर में झगड़े हो रहे हैं, समाज में झगड़े हो रहे हैं, देश में झगड़े हो रहे हैं, कैसे बचेगा देश, मिलजुल के रहना, ठीक है, इसी से बहुत फायदा होगा। देखो बाबा तुम्हारा सब तरह से फायदा करता है, रोग मुक्ति, नश व्यसन मुक्ति, टंटा मुक्ति, और फिर औषधि की युक्ति भी बताई, खेती की युक्ति भी बताई, सेंद्रिय खेती को प्रोत्साहन देना, हम धीरे धीरे इस भारत को इस दिशा में लेकर के आगे जाना चाहते हैं, और संगठित रूप से जो सेंद्रिय खेती कर रहे हैं उनको भी आगे हम एक बाजार उपलब्ध कराएंगे। मैं प्रचार करता हूं सेंद्रिय खेती, आजकल बड़े बड़े लोगों को कैंसर हो रहा है, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े एक्टर, क्रिकेटर, पिछले आज दिनों आपने देखा युवराज को भी हो गया था, सबको कैंसर हो रहा है, सेंद्रिय खेती जरूरी है। तो एक बार जो सेंद्रिय खेती कर रहे हैं उन शेतकारियों के लिए भी जोरदार अभिनंदन है भाई, ये सेंद्रिय खेती ये बहुत पुण्य का काम है, इसको करो, इनको बढ़ावा देना है। तो आज हमने कुछ बातें आपको खेती खेती के बारे में बताई, आज ये ग्रामीण ग्राम विकास शेतकारी मेलावा में इतना ही मेरा कहने का मतलब है, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े परिणाम आते हैं आप सबके लिए। अब छोटी छोटी बात और बता देता हूँ, क्योंकि मैं तो बाबा जी आदमी हूँ, ऐसे ही सबके हित की बात बताना मेरा काम है, तो सुनो अब आपको कुछ इलाज और बताता हूँ। इलाज एक तो जानवरों के लिए मैंने बताता हूँ, पहले तो जानवरों के लिए हमने पतंजलि दुग्धामृत पशु आहार निकाला, मकसद पैसा कमाना नहीं था, 2% गवर्नमेंट ने, फिर लोगों ने 4% यूरिया डालना शुरू कर दिया, पशुओं के लिए कैल्शियम से लेकर के दूसरी औषधियां में हमने बनाई। मैं आपको एक बात कहता हूं, अपने पशुओं को आपको अच्छा रखना है तो उनको यूरिया वाला आहार मत देना, जो पशु के पेट में डालोगे, जो धरती माता के पेट में डालोगे वो तुम्हारे पेट में आने वाला है, इसलिए धरती माँ है, मेरे साथ बोलो माता भूमि ही, जोर से बोलो माता भूमि ही, पुत्रो हम पृथिव्याः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भवा। ये धरती हमारी माँ है, हम अपनी माँ के मुंह में जहर डाल सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे धरती माँ के पेट में जहर मत डालना, धरती में जो कुछ डालोगे, खेती में जो डालोगे वो शाक सब्जी अन्न फल बन के कहाँ आएगा? हमारे पेट में, इतना ध्यान रखो। देखो सबसे बड़ा खतरा अभी जम्मू कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर से भी बड़ा खतरा ये जो बांग्लादेश से
इलीगली अनऑथराइज जो हमारे वहां से लोग आ रहे हैं वो है। रोहिंग्या को भी काबू करने की जरूरत है। दरअसल आईएसआई वालों ने लोगों के दिमाग में कुछ गलत फितून भर दिया है और एक आदमी एक शहर को बर्बाद कर सकता है और 100 आदमी पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हैं। हजारों लोगों को रोहिंग्या मुसलमानों को इल्लीगल तरीके से अपने देश में घुसा दिया। करीब 3 करोड़ बांग्लादेशियों को इल्लीगल तरीके से, अरे पासपोर्ट के साथ वैधानिक तरीके से, मैं भी पूरी दुनिया में जाता हूं, मैं बोलता हूं आई एम वर्ल्ड सिटीजन, मैं तो विश्व नागरिक हूं, लेकिन मैं इल्लीगली नहीं जाता किसी भी देश में। इल्लीगल जब स्वामी रामदेव सन्यासी होकर के भी नहीं जाता तो एक भी बांग्लादेशी अपने देश में इल्लीगली नहीं आना चाहिए, एक भी रोहिंग्या इल्लीगली नहीं आना चाहिए। नहीं तो जो आज कश्मीर की हालत बनी हुई है, कल को वो हालत दिल्ली की बन जाएगी, वो हालत पश्चिम बंगाल की बन जाएगी, असम की बन जाएगी, उड़ीसा की बन जाएगी, धीरे धीरे बिहार, और फिर यह महाराष्ट्र पूरा हिंदुस्तान असुरक्षित हो जाएगा। यह राष्ट्रीय प्रश्न मैंने कहा, बहुत प्रश्न और चुनौतियां अपने सामने, हमें उन प्रश्नों का समाधान करना है। एक अच्छी सामाजिक सोच, एक अच्छी धार्मिक सोच, एक अच्छी राजनीतिक सोच, एक अच्छी इंसानियत की सोच, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, तालियों के साथ, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, आपसी मत भेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, आपसी मत भेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, सोचना है पर सोचना है हमें इंसान के लिए, सोचना है हमें इंसान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, एक है लहू का रंग पहचान के लिए, एक है लहू का रंग पहचान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। बोलो भारत माता की जय।